मैं विदुषी देवी आज आपको रामनवमी के बारे में कुछ बताऊंगी। रामनवमी वाले दिन, जैसे आपको पता है कि नवरात्रे होते हैं, नौ नवरात्रे होते हैं, तो रामनवमी के दिन हम नवे नवरात्रे में माता सिद्धिदात्री जी का पूजन करते हैं। इस दिन जिन लोगों ने पूरे व्रत रखे होते हैं, पूरे व्रत जो है वो नवमी वाले दिन हम जो घरों में दान के रूप में माता का जो है स्थापित करते हैं माता को, इस दिन हम उनका विसर्जन करते हैं। उसके बाद कंजक पूजन करके हम अपने व्रत को खोलते हैं। तो माता के, अब मैं माता के नौ रूपों को आपको बताऊंगी और आप लोग हर एक रूप के लिए जोर से जयकारा लगाएंगे, ठीक है। काल रात्रि महामाया की, महागौरी की, सिद्धिदात्री की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय माता। हमारे घरों में क्या होता है कि पहले जो साख लगाई होती है तो वो साख को हम प्रवाहित करके फिर कंजक पूजन करते हैं। बट पहले नवरात्रि वाले दिन
आई वॉज लिस्टिंग टू द रेडियो, वहाँ बहुत बड़े आचार्य पंडित जी जम्मू के फेमस, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने बोला सही विधि है कि पहले कंजक पूजन करना है, माता को भी भोग लगाना है। कंजक पूजन में मतलब माता को भोग लगाना है, तो जो माता जो सास के रूप में हमारे घर में, उनको तो भोग लगाया नहीं हमने, उनको तो हमने ऐसे विदा कर दिया, तो उनको भी भोग लगा के कंजक पूजन करने के बाद सास को प्रवाहित करना है, ये सही विधि है। और हम लोग बचपन से ही देख के आ रहे हैं कि पहले सुबह सुबह अर्ली उठना है, नहा धो के सास विसर्जन करना है, और उसके बाद घर में आके कंजकें देनी है और खुद भी हलवा पूड़ी खाना है।